welcome students see uh, see in the first part the first part we have finished of this first unit now we'll move to the second part in second part our first topic is photoelectron spectroscopy see uh, से स्टूडेंट इन द फर्स्ट पार्ट दिस टॉपिक विद दिस पार्ट वी हैव लेफ्ट स्ट्रक्चर डिफरेंसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाई यू एस पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज दिस टॉपिक इज नेवर आस्क इन द एग्जाम सो वी विल ट्राई दैट विच विच टॉपिक्स आर आस्क इन द एग्जाम दैट ओनली विल डू वेरी प्रॉपरलीटली द टॉपिक ओनली वी विल डू सी इन द सेकेंड पार्ट दिस आर द पॉइंट्स जो टिक किए हैं वो सब एग्जाम में आए हुए हैं सो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज ऑल्सो आस्ड इट्स बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का दैन आयनाइजेशन प्रोसेस खोप मैंस थियरम्स दिस टू आर नॉट आस्क देन ई एस सी ए इज अ केमिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑगर इलेक्ट्रॉन दिस दिस टॉपिक्स आर फ्रिक्वेंटली आस्क इन द एग्जाम सो वी विल मूव टू दिस टॉपिक ओनली विल स्टडी दिस टॉपिक ओनली ओके सो लेट्स मूव टू और सी और फर्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी न वॉट इज फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी सी फ्रॉम द नेम ओनली वी कैन जज दैट वॉट इज देयर इन दिस टॉपिक फोटो फोटो मीन्स लाइट इलेक्ट्रॉन मीन्स फोटो लाइट से इलेक्ट्रॉन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन ओके सो क्या है इसके अंदर सी दिस इज वन एटम और मोलिक्यूल ये एक एटम ले लिया या फिर मोलिक्यूल ले लिया इसके ऊपर कोई रेडिएशन एमिट किया ये जो रेडिएशन है फोटोन्स ये रेडिएशन एमिट किया रेडिएशन एमिट होने के बाद क्या होगा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट होंगे वो इजेक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कुछ और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी मतलब क्या लेट्स लेट्स मी रिपीट वंस अगेन रेडिएशन से एमिट करेंगे इस एटम के ऊपर वो रेडिएशन के ऊपर बहुत सारी एनर्जी रहेगी है ना रेडिएशन बहुत सारी एनर्जी कैरी करेगा फिर वो एमिट करेंगे इस एटम के ऊपर एटम के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा ऑर्बिट के अंदर से बहुत सारे ऑर्बिट होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो जो बाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की ठीक है देख लो ये सपोज ये एटम है और ये ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो जिस जिस एनर्जी से ये बाइंड है इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी हमको उतनी एनर्जी चाहिए होगी जो रेडिएशन आ रहा है इसमें उतनी एनर्जी चाहिए होगी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो ओवरकम करे है ना जब ये जब ये बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम करेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ठीक है तो इसमें यही है कि ये जो रेडिएशन है इसमें कुछ एनर्जी है बहुत सारी एनर्जी कैरी करके हैं तो वो एनर्जी इसमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम करती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम करती है और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और जो बची रहेगी इसके अंदर रेडिएशन वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा ठीक है फिर से रिपीट करती हूँ मैं जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो निकालने में कुछ एनर्जी लगेगी हमको तो वो एनर्जी इसकी एनर्जी रहेगी जो रेडिएशन पास कर रहे उसकी एनर्जी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसमें से कुछ एनर्जी कुछ एनर्जी लगेगी उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए और जो एनर्जी बची होगी इसके पास वो लेके वो बाहर निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मतलब यही है यही है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि ये जो रेडिएशन है ये एमिट कर रहे हैं उसको ली उसको डिनोट किया है एच एम से इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी है एक तो उसको इलेक्ट्रॉन एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना पड़ रहा है बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी लग रही है तो जो एनर्जी बाहर निकलने के लिए लग रही है इलेक्ट्रॉन को उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ठीक है बाइंडिंग एनर्जी और जो बची एनर्जी इसके पास कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर् बाइंडिंग एनर्जी में लग गई और थोड़ी सी जो एनर्जी बची रहेगी वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मतलब एच वी एचम यू इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लिखना है हमको तो प्रिंसिपल पूछा है एग्जाम में हमको इसका प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल क्या है यही प्रिंसिपल है कि रेडिएशन कोई भी फोटो रेडिएशन स्ट्रांग फोटो रेडिएशन स्ट्रॉन्ग हाई लोअर वेव के लोअर वेव के रेडिएशन हम लोग इसके ऊपर एमिट कर रहे हैं और वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकल जा रहा है अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकल रहा है उसके पास कैनेक्टिक एनर्जी है तो यही हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है ठीक है यही इसके अंदर मैंशन किया है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विथ हार्ड यू रेडिएशन द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द वैलेंस शेल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मेजर्ड फिर इसकी फिर क्या करते हैं इसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मेजर करते हैं ठीक है इंस्ट्रूमेंट से इसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं फिर उससे उस काइनेटिक एनर्जी से सारी एटम की इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती है ठीक है ये इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप यूजफुल है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन से ही कोई भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा तो हर आइटम की इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एक वो वो एटम की अलग हर एटम की अलग अलग होती है हर एटम की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी अलग -एनर्जी अलग होती है तो इन सब चीज़ों से ये काइनेटिक एनर्जी से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा एटम है और हर शेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हर ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मतलब तो टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एनर्जी से रिलेटेड मैक्सिमम एनर्जी से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एटम के बारे में ठीक है तो मैंने डेफिनेशन लिखी है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट अकोपाइड ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एनर्जी वही होती है कितनी एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से निकालने के लिए वही हो गई उसकी बाइंडिंग एनर्जी ठीक है सो ना अब मैंने थोड़े से पी ई एस फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वही है अब ये जो फुटलेटम स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सॉलिड लिक्विड और गैशेस सब में यूज़ होता है अगर एटम गैस फॉर्म में है एटम मोलिकुलर अगर गैस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में है तो भी हम लोग ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं ओके नाउ व्हाट अदर पॉइंट दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक एंड मोलिकुलर एनर्जी लेवल हाँ ये जो टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी अगर मेजर करते हैं तो एटम के सारी ऑर्बिटल्स के बारे में ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है ऑर्बिटल्स के बारे में ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में सारी इन्फॉमेसन हमको मिलती है फिर इट इज़ डूज टू द स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में भी मालूम चलती है हमको इसके बारे में भी मालूम चलता है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग एल और एस का कॉम्बिनेशन तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें या फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से ठीक है तो ये हो गया हमने पढ़ लिए क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये मैंने इस डायग्राम के हिसाब से बता डायग्राम से बताया है ठीक है देखो अभी एक कोई भी एटम है एटम के अंदर दो तीन लेवल होते हैं सबसे एक बीच में ये सबसे पहले न्यूक्लियस रहता है ये सब न्यूक्लियस हो गया एटम का उसके ऊपर ऑर्बिटल्स रहते हैं एक इनर शेल हो गया आउटर शेल बहुत सारे होते हैं ना के एल एम एन ऐसे बहुत सारे शेल होते हैं ये न्यूक्लियस है इसके ऊपर के शेल हो गया एल शेल हो गया एम शेल हो गया ऐसे बहुत सारे शेल होते हैं तो क्या होता है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन पी ई एस इस पी ई एस इसमें भी दो तीन टाइप्स होते हैं दो तीन टाइप्स कौन से होते हैं एक्स ये होते हैं एक्स पी ई एक्स एक्स पी ई एस या फिर यू वी पी ई एस ऐसे दो तीन टाइप्स होते हैं इसमें और टाइप्स होते हैं बहुत सारे लेकिन ये दो दो ही पढ़ने हैं हमको तो ये टाइप्स क्या होते हैं अगर कोई सब में एक ही चीज़ है सब जितने भी टाइप्स होते सब में एक ही चीज़ है रेडिएशन फॉल करनी है एटम के ऊपर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है सब में यही प्रोसीजर है लेकिन डिफरेंस क्या है ये वाला जो यू वी यू वी यू वी पी ई एस है इसमें यू वी रेडिएशन फॉल कर रहे हैं हम लोग एटम के अंदर और यू वी रेडिएशन क्या होता है एटम के पूरे लास्ट तक पेनरेट पेनिट्रेट नहीं कर सकता यू वी रेडिएशन यही तक पेनिट्रेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन है आउटोमोस्ट में वही बाहर निकालेगा ठीक है लेकिन बाकी जो एक्स पी एक्स के क्या है ये इतने पावरफुल रेडिएशन है कि ये एटम के पूरे अंदर तक जाएंगे अंदर तक जाएंगे और ये जो अंदर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये जो अंदर की एल शेल में यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है बस यही डिफरेंस है यू में क्या होता है इसमें यू वी रेडिएशन यूज़ करते हैं और यू वी जो इलेक्ट्रॉन से आउटोम शेल में वो वाले बाहर निकालता है और एक्स है ये क्या करता है ये बहुत पावरफुल रेडिएशन होते हैं लोअर वेव के रेडिएशंस होते हैं ये पूरे अंदर तक आते हैं और जो इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में प्रेजेंट है वो वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं ठीक है थीके? ये डिफरेंस है तो आपने हमने ये पढ़ लिया है अभी कि पी क्या होता है पी का ये प्रिंसिपल ये पूरा प्रिंसिपल ही है ठीक है इसमें पूरा लिखना है पी ई एस के अंदर क्या होता है पी ई एस और आ, किस किस में उसका यूज होता है ये लिखा है ये डाइग्राम भी बनाना है तुमको इसमें ठीक है देखिए ये जो टाइप्स है ये पी ई एस के ही टाइप्स है इसको हम लोग डीप में आगे स्टडी करेंगे तुम ये बनाओगे ये कोर इलेक्ट्रॉन है मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है फिर ये आयोनाइजेशन लिमिट एक लिमिट है ठीक है एक लिमिट है आयोनाइजेशन लिमिट मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलना वो एक लिमिट हो गई ठीक है एटम की लिमिट हो गई उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना तो अगर हम लोग रेडिएशन फॉल कर रहे इसके ऊपर तो ये अंदर की कोर है तो फिर ये अंदर के कोर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कोर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स पी ई एस अगर शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वो हो गया यू वी पी ई एस ठीक है ये डायग्राम बनाना है तुमको अगर प्रिंसिपल पूछते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसके बाद हम लोग चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी ई एस एंड कोपमस थियोरम यह हमारा नेक्स्ट थियरम है ये थियोरम्स दो माह के लिए पूछा है एग्जाम में ठीक है अब इस थियोरम का क्या है थियोरम क्या बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर इंटरप्रेटेड अब जो स्पेक्ट्रा मिलेगा मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है पीई एस में उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग इंस्ट्रूमेंट से स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करते हैं ठीक है ठीके? वो बताया था मैंने अब जो तो स्पेक्ट्रा मिलता है और उसका स्पेक्ट्रा मिलेगा हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा ना स्पेक्ट्रा मिलेगा एंड फोटो अब स्पेक्ट्रा अब देखो स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा जो डिटरमाइन करते स्पेक्ट्रा जो मिलता है हमको उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये थ्योरम हेल्प करता है हमको और स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने के लिए हमको ये थ्योरम यूज होता है इट्स अ कोपमेंस थियोरम लेट्स पढ़ते हो पढ़ते फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा आर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ कोपमेंस थ्योरम, विथ स्टेट्स अब कोपमेंस थियरम्स क्या बोल रहा है विथ स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी आई ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेटेड बाय सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड फ्राम विच द इलेक्ट्रॉन्स इज रिजेक्टेड तो कोपमेंस थियोरम क्या बोल रहा है वो बोल रहा है जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी एक ही चीज़ है बाइंडिंग एनर्जी बोलो इलेक्ट्रॉन की या फिर बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही चीज़ है तो so, वो बोल रहा है कोपमेंस थियोरम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो होती है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल जिससे इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है क्या बोल रहा है कोपमेंस थ्योरम कोपमेंस थ्योरम बोल रहा है आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बस ये तुमको इतना ये डेफिनेशन इतना ये पार्ट लिखना है और फिर ये इक्वेशन लिखनी है कोपमेंस थियोरम है सफिशियंट टूमा के लिए पूछा है और ये सब उन्होंने जो कॉपमेंस थियोरम है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन सिर्फ एक इमे सिर्फ एक इमेजिनेशन था ये जो इक्वेशन दी ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी यहाँ पे लिखा है सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और ये थियोरम्स इट इज नॉट ऑफ दैट मच यूजफुल टू डिटरमाइन द स्पेक्ट्रा ऑफ पी एस पी ई एस ठीक है तो मुझे इतना पार्ट लिखना है ये डेफिनेशन लिखना है देखो मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखाती हूँ दिख रहा है क्लियर अभी हम्म ये डेफिनेशन तुम्हें तो ये पार्ट लिखना है यहाँ से ठीक है मैंने टिकमा करके दिया है वहां से वहां से जहाँ तक टिकमा किया है वहाँ तक लिखना है बस ठीक है तो ये हो गया हमारा कोपमेंस थियोरम ठीक है देख लो यहाँ से मैंने यहाँ तक टिकमा किया उतना ही पोर्शन लिखना है तुमको अब ये नेक्स्ट टॉपिक है फोटो आयोनाइजेशन प्रोसेस ये भी पूछा है फोर मार्क के लिए पूछा है आयोनाइजेशन प्रोसेस इससे भी सेम वही ही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि रेडिएशन डाल रहे हैं एच वी जिसकी एनर्जी एच वी है रेडिएशन पड़ रहे हैं मेटल के ऊपर फिर मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इसमें कुछ कैनेटिक एनर्जी रहेगी फिर जो मेटल है वो एम प्लस फॉर्म में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद और उसमें वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए नीचे दिखा रही है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा जो एम प्लस बनेगा वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कानेटिक एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा इसके जितनी भी एनर्जी है उसमें से एनर्जी उन्होंने बताया है कि कुछ एनर्जी इसमें की वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज हो रही है और जो बची इलेक्ट्रॉ और बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकल जा रहा है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी एच वी इक्वल टू इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो वही इक्वेशंस दिए हैं इसके अंदर ई बी अभी इन्होंने बताया ई e बी क्या है ई e बी जो है बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी दिस माइनस काइनेटिक एनर्जी है ना बाइंडिंग एनर्जी आज ये देखो है एच वी क्या होता है एच वी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अब हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो दिस माइनस दिस आ जाएगा ये वही चीज़ लिखा है बस बाइंडिंग एनर्जी को ई e बी ऐसे रिप्रेजेंट किया है कैनेटिक एनर्जी को ई e के ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो इसमें वही चीज दिया है तुम पढ़ लोगे तो लो समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये पूछते हैं एग्जाम में इसको भी देख लो अच्छी तरह से तुम्हें ऐसे लिखना है दिख रहा है क्लियर ये पूरा इस टाइप से लिखना है फिर आ, एक बताती हूँ मैं फिर से ठीक है इस टाइप से लिखना है और फिर ये जो दो चीज़ दिया है ये भी लिखना है ये पूरा ही पूरा ही पढ़ लेना पूरा पूरे में एक ही चीज़ एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मैंने बताया है अभी बस आयनाइज इसमें आयनाइजेशन प्रोसेस में एक ही डिफरेंस है बस आयनाइज करके बताया इन्होंने एम प्लस निकलता है फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर एम प्लस फिर ये इक्वेशन ये सारे इक्वेशन से लिखना है इन्फॉर्मेशन सारी वही है जो मैंने पहले बताया है वही सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है अब और एक चीज़ बताया है एक्सरे फ्लोरेंसेंस और ऑगर प्रोसेस ये दो प्रोसेस बताया है